जो केजरीवाल अपनी खांसी को लेकर पूरे देश में लोकप्रिय हो गए थे, जो केजरीवाल अपनी खांसी को लेकर सभी सोशल मीडिया साइट्स पर छा गए थे, उनकी खांसी फिर लौट आई है। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत फिर खराब हो गई है और इसी वजह से गुरुवार को उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम भी रद्द कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने संविधान दिवस समारोह और दिल्ली विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक वो आने वाले दिनों में अहम बैठकों और विधानसभा सत्र से दूर रह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनको कफ की परेशानी बढ़ती है तो केजरीवाल 4 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र के बाद विपश्यना के लिए भी जा सकते हैं। केजरीवाल डायबिटीज और क्रॉनिक कफ से पीड़ित हैं। मार्च में दिल्ली में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद वो इलाज के लिए बेंगलुरु गए थे और वहां से बिल्कुल ठीक होकर लौटे थे। इस इलाज के बाद उनकी धीरे धीरे उठने वाली खांसी भी पूरी तरह से बंद हो गई थी। केजरीवाल के करीबी सहयोगी का कहना है कि केजरीवाल की कफ की वापसी से हम परेशान हैं, उन्हें बुखार भी है, फिलहाल वो अपने फैमिली डॉक्टर से बात कर रहे हैं। केजरीवाल क्रॉनिक कफ का इलाज कराने के लिए दक्षिण भारत समेत देश के लगभग सभी हिस्सों में जा चुके हैं। तनाव दूर करने के लिए वो ध्यान और विपश्यना की मदद लेते हैं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब, फॉलो एंड लाइक।